तुझे तेरी माँ बुलाए, तुझे तेरे बाबा बुलाए, कहाँ हो बेटा अब तो आजा, काहे को तू देर लगाए, अभी जा अभी जा अभी जा, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, रहना बीती जाए मेरी मेरी, रहना कहाँ खो गई, आ जाना आ जाना आ जाना। शोक में डूबा म्यूजिक लवर्स ग्रुप अजमेर। रेना शर्मा ने बहुत छोटी उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रेना की मौत से हर एक ग्रुप का सदस्य को बहुत बड़ा धक्का लगा, मानो इन्होंने अपना एक कोहिनूर खो दिया। रेना ने अपनी गायकी एवं नृत्य से सबका दिल जीत लिया था। आइए मिलते हैं कुछ ग्रुप के सदस्यों से। और जो भी मैंने उसके समाचार सुने, आई वॉज इन शॉक। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया ये, अब क्या कर सकते हैं, भगवान की मेहरबानी है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और क्या है, यही कर सकते हैं, बार सब परिवार वालों को सांत्वना है। रैना से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा, लगभग 2010 में वो मेरे पास डांस सीखने आई थी। खुशकिस्मत होते हैं गुरु जिनको ऐसी शिष्या मिले, रैना जैसी शिष्या मिलना बहुत मुश्किल होता है। हर पब्लिक प्लेस पर हर जगह उसने पैर छुए, गुरु शिष्य परंपरा को माना और हमेशा यही कहती थी कि मैम आप मेरी गुरु हो। आज ऐसी शिष्या के जाने से मैं निःशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, अपनी संवेदनाएं उसके मम्मी के प्रति कैसे प्रकट करूँ। अजमेर कला जगत का एक बहुत बड़ा आज लॉस हुआ है। खजाना एक बहुत ही दुखद समाचार है और बहुत ही जीवंत व्यक्तित्व की रहनी थी। रैना शर्मा जिस प्रोग्राम में जाती थी उस प्रोग्राम में जान आ जाती थी, सिर्फ नाच में नहीं गाने में भी, और दूसरे लोगों के साथ में घुलना मिलना, और मतलब एक अद्भुत व्यक्तित्व था रैना का। आज हम सब लोग म्यूजिक लवर ग्रुप के लोग इस बात से दुखी हैं, मन को विश्वास ही नहीं होता कि रैना हमारे बीच से चले। शर्मा एक अच्छी नृत्यांगना थी और एक अच्छी गायिका भी थी। अजमेर शहर को उसके असामयिक निधन से काफ़ी नुकसान पहुंचा है और हर म्यूज़िक प्रोग्राम्स में वो आती थी, काफ़ी मिलनसार थी और जब भी मिलती थी प्रणाम करती थी और काफ़ी सहृदयता से मुलाकात करती थी। और इस असामयिक निधन से उनके परिवार के लिए मैं अपना सहानुभूति व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा को शांति रहे इसका प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। सुरेश केवल रोमानी, सदस्य म्यूजिकल लवर्स अजमेर। आज रैना शर्मा की श्रद्धांजलि सभा में म्यूजिक लवर्स ग्रुप के समस्त सदस्य श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए। रैना शर्मा के लिए तो कुछ भी कहना बहुत कम है, क्योंकि वो ऐसी प्रतिभा की धनी थी, गीत संगीत नृत्य कला और दूसरा जो जितनी परिश्रम करती थी, हमारे ग्रुप में जो उतने प्रोग्राम होते थे संगीत के, लास्ट में जब वो एक डांस करती थी तो डांस को एक खुशनुमा माहौल बना देती थी। इतना एनर्जेटिक डांस पिछली प्रोग्राम में किया था जो हम आज अभी तक हमारे दिमाग से उसका वो डांस नहीं उतर रहा और ना उसका चेहरा अभी तक उतर रहा है। अब हम तो यही प्रभु से विनती करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे। सुरेश केवल अजमेर, बहुत ही दुखद की घटना ये है, हमारे बीच रैना शर्मा जी नहीं रही, अभी तक विश्वास नहीं होता।
वो हमको जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी इनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, मैंने उनको घर तक भी ड्रॉप करा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हमारा साथ जल्दी छोड़ जाएगा। बहुत ही दुखद है, भगवान इनके आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं अनुपम सिंह राठौड़, बहुत दुख है मुझे, पिछले 4-5 साल से रैना जी को मैं जानता था, बहुत मृदुभाषी और बहुत ही असमुख स्वभाव की लड़की थी, ये जाने की उम्र नहीं हुआ करती, पर बहुत दुखद है, ईश्वर की करनी को कोई रोक नहीं सकता। मैं उनके परिवार के लिए, माता जी के लिए बस यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें शक्ति दे। नमस्कार। प्रकाश चाष्टा, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते, विश्वास नहीं होता कि कहीं ऐसा भी होता है, भगवान की क्या इच्छा है कोई नहीं कह सकता, हरी इच्छा प्रबल है, लेकिन एक बात निश्चित है कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वो हमेशा खुश रहे, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले, उनको सदगति मोक्ष और उनको शांति मिले। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये क्या विडंबना है, पिछले बार जब उनसे भेंट हुई, एक साथ बैठ के खाना खाया और पहली बार उनका वो रूप देखा, एक नटखट चुलबुल और बड़ी खुले मस्त मौला जैसे हरफन हंसती हुई, तो मुझे बड़ा ताजुबा। मैं 3 साल से इनसे संपर्क में हूँ, मिलते हैं, लेकिन कभी ये इस तरह का नहीं देखा जितना दिल खोल के उस दिन पास में खाना खाते हुए बात हुई। आज भी वो यादें हमेशा हमारे दिल में, वो दिमाग में हमेशा सजीव रहेगी। और मैं परिजनों की को संबल प्रदान करे ईश्वर, यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। स्थानीय लोक नृत्य प्रशिक्षक रैना शर्मा जो है मेरी शिष्य रही हुई है, मेरे से लोक नृत्य सीखा उसने राजस्थानी, और कई रंगमंचों पे उसने परफॉर्म किया और बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही सुशील बच्ची थी। उसके बारे में क्या कहूँ, बहुत ही हमने घेरा खो दिया हमारे कलाकार जगत का, इस बात का मुझे बहुत दुख खेद रहेगा पूरी जीवन भर। मैं अशोक शर्मा, नृत्य प्रशिक्षक। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा रैना के बारे में, हमने हमारे परिवार की एक बहुत अच्छी बच्ची खो दी है और उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मैं विकास शर्मा, म्यूजिक लवर अजमेर की तरफ से। रैना जो है, जिसको आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, बहुत दुख हुआ सुनकर के कि रैना हमारे बीच नहीं रही है। हंसमुख स्वभाव की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, मिलनसार थी, अच्छी डांसर थी, अच्छी गायक कलाकार थी। बहुत ही दुख की आज बात है और ये हम पूरे हमारे ग्रुप के लिए बड़ी दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को इस घड़ी के अंदर एक बल दे ताकि वो अच्छे से रह पाए और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। शर्मा एक बहुत ही एनर्जेटिक नृत्यांगना थी, हंसमुख मिलनसार थी। उनके आकस्मिक निधन से अजमेर को तथा हमारे म्यूजिकल लवर ग्रुप को अपूर्णीय क्षति हुई है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। मैं मुकुल कपूर, म्यूजिकल लवर अजमेर से। शिवम शारदे कला केंद्र से बिटिया रैना के देहावसान पर बेहद दुखी हूँ। से परिवार हमारी आत्मिक श्रद्धांजलि। बिटिया बहुत सिंसियर, बहुत ही टैलेंटेड थी। क्या पता था, 8-10 दिन पहले मुझसे मिली, 15 दिन पहले प्रेस क्लब में हमारा गाने को उसने रिकॉर्ड किया, मेरे को भेजा। बहुत ही होनहार बच्ची थी, लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बड़ा मानने को ही नहीं आ रहा है जब से गई। जानी है म्यूजिक लवर अजमेर से। रैना मेरी बहुत अच्छी करीब की दोस्त है और वो मेरे गाए हुए गीत पे हमेशा डांस करती थी। दिल की बहुत अच्छी थी और ऐसे भी लगता है वो हमेशा हमारे साथ ही है, वो अलग है ही नहीं, अभी भी वो यहीं पे ही है और वो सबका दिल जीत लेती थी। मेरा नाम निकिता पंचवानी है, म्यूजिक लवर अजमेर ग्रुप से। रैना मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी और मेरे दिल की बहुत करीब थी। इतना अच्छा स्वभाव था उसका, मैं कभी भूल नहीं सकती कि उसका चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने आता है कि इतनी, मतलब जैसे इतना अच्छा डांस करने वाली, इतनी टैलेंटेड लड़की और चेहरे पर हमेशा स्माइल, कभी भी दुख नहीं, मतलब तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा वो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। सामने। मैं अनुपम सिंह राठौड़, बहुत दुख है मुझे, पिछले 4-5 साल से रैना जी को मैं जानता था, बहुत मृदुभाषी और बहुत ही असमुख स्वभाव की लड़की थी, ये जाने की उम्र नहीं हुआ करती, पर बहुत दुखद है, ईश्वर की करनी को कोई। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध रूपावत है।
रैना शर्मा जो है वो मेरी क्लासमेट थी, नर्सरी से ही हम साथ में पढ़े हुए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो 5 तारीख को उसका मैसेज आया था उनकी मम्मी का कि रैना इज़ नो मोर, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इसलिए बस यही कह पाऊँगा कि अब बोलने के लिए तो कुछ शब्द नहीं है, मैं इतना ही कह पाऊँगा। थैंक यू। अनिरुद्ध रूपावत। मैं कुछ समय से रैना को जानती थी और इतनी टैलेंटेड थी, मैंने ऐसी टैलेंटेड लड़की नहीं देखी। इतनी बीमारी होने के बावजूद भी इतना एक्टिव होना, चुलबुली होना और हर एक की हेल्प करना, मतलब कभी शिकन ही नहीं देखा इसके चेहरे पे, कभी बीमारी इसकी शो ही नहीं हुई कि ये मतलब इसको कुछ है भी प्रॉब्लम। हमेशा हंसते हुए हर चीज़ को मतलब कर लेती थी, बहुत बेखूबी से निभा लेती थी हर रिश्ता भी, और भगवान। मैं राकेश माथुर, म्यूज़िक लवर अजमेर से। आज हम रैना शर्मा जी के उठावने में हम सब म्यूज़िक लवर अजमेर ग्रुप के सभी सदस्यगण उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि रैना शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रही। रैना शर्मा जी मेरे ग्रुप की एक महान और एक सक्रिय सदस्य हमेशा रही और मेरी एक तरह से राइट हैंड के तरह से उन्होंने काम किया। जब भी मैं उनको कोई काम बताता था वो इमीजिएटली मेरा काम कर देती थी। जितनी होटल का वेन्यू संभालना हो, कोई सामान लाना हो या कुछ भी काम में उनको टास्क देता तो डेफिनेटली जल्दी से वो कर देती थी। उनका स्वभाव ये था कि जितने भी ग्रुप के मेम्बर आते थे एक एक ग्रुप के मेम्बर को अटेंड करना, सबकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक चीज़ सर हो ही नहीं हुई, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इतना एक्टिव रहती थी हमारे प्रोग्राम में कि ना पूछिए। मैं तो बस एक शब्द कहूँगा कि एक तरह से मेरा एक राइट हैंड चला गया। मेरा इस प्रोग्राम को आयोजित जब भी करता था, कोई प्रोग्राम करता था, मेरे एक राइट हैंड की तरह काम करती थी और मुझे एक भरोसा रहता था कि रहना है तो सब हो जाएगा और मेरा हमें 100% रहना पे भरोसा रहता था। और मुझे नहीं, मेरे पूरे परिजन को इसके बात का बड़ा दुख है। 2 दिन पहले मेरे घर पर आई थी, चाय नाश्ता करके गई थी, तो हमारे घर वाले अभी तक इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे कि 2 दिन पहले हमारी बच्ची घर पे आके और चाय नाश्ता करके गई है और आज वो हमारे बीच में नहीं रही। आज से ठीक 5 जुलाई को हमने मिस्टर पॉल साहब की श्रद्धांजलि की थी। हमें पता नहीं था कि आज ये बच्ची जिनके लिए श्रद्धांजलि करी है 5 जुलाई को, 5 अगस्त को इनको श्रद्धांजलि हमें देना आना पड़ेगा, ठीक 1 महीने बाद। ये विडम्बना है प्रकृति की। मैं इनको और रैना शर्मा जी को हार्दिक श्रद्धांजलि पूरे परिवार की ओर से, म्यूज़िक लवर अजमेर की ओर से देता हूँ और साथ ही ये विनती करता हूँ कि जहाँ भी रहें सुखी रहें और भगवान इनको श्री चरणों में अपना स्थान प्रदान करे और इनके परिवार को वज्रपात सहने की क्षमता प्रदान करे। ये कहा गया है कि यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, ना जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। थैंक यू।